Hope you are fine and having a good time. Today we are going to start chapter number 6, Little Deeds of Kindness. It's basically a poem written by Fanny J. Crosby. The theme of the poem is that everything in this universe has its own importance. No matter how little they be, a little kind deed has a deep and lasting effect, and a small word of kindness can heal a soul. So let's start reading. Suppose the little cowslip should hand its golden cup and say, I'm such a tiny flower, I'd better not grow up. How many a weary traveler would miss its fragrant smell? How many a little child would grieve to lose it from the dull? इस स्टैंजा में पोएट बताती है कि फर्ज करे कॉसलिप जो कि एक छोटा सा फूल होता है, अगर वो ये सोच के बड़ा ना हो कि वो कितना छोटा सा फूल है, उसके ना होने से यूनिवर्स में किसी चीज़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा? जो थका हुआ मुसाफिर होता है वो उसकी खुशबू की कमी को महसूस करेगा, वो जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि उसके इर्द गिर्द खेलते थे वो भी वादी में उसकी कमी को महसूस करेंगे. डेल मीन्स वादी. The next stanza. Suppose the glistening dewdrop upon the grass should say, what can a little dewdrop do? I would better roll away the blade on which it rested before the day was done, without a drop to moisten it, would wither in the sun. इस stanza में poet बताती है कि dewdrop जो कि शबनम के कतरे जो होते हैं, वो अगर पौधों पे ना पड़े या फिर वो अपने वक्त से पहले ही पौधों से चले जाए तो क्या होगा? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पानी उन्हीं ड्यू ड्रॉप से जो है ना लेते हैं, उन्हीं शबनम के कतरों से ही वो पानी की कमी को पूरा करते हैं. जैसे सहरा में पानी नहीं होता, बारिश भी नहीं होती, तो सहरा में जो पौधे होते हैं वो उन्हीं शबनम के कतरों से जो है ना पानी की कमी पूरा करते हैं और उसी से जो है ना बड़े होते हैं. तो अगर शबनम के कतरे पौधों पे ना पड़ेंगे या फिर अपने वक्त से पहले ही चले जाएंगे तो वो सहरा में जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे. द नेक्स्ट स्टैंजा. सपोज द लिटिल ब्रीजेज अपॉन अ समर्स डे शुड थिंक देमसेल्व्स टू स्मॉल टू कूल द ट्रैवलर ऑन हिज वे, would miss the smallest and softest ones that blow and think they made a great mistake if they were talking so. इस स्टैंजा में पोएट बताती है कि जो गर्मियों में ठंडी हवा चलती है, अगर वो ये सोच के ना चले कि इतने गर्म मौसम में मैं थोड़े से ठंडी हवा किसी को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी, तो वो जो थका हारा हुआ मुसाफिर इतना लंबा डिस्टेंस इतना लंबा सफ़र तय करके आया होता है और उस ठंडी हवा के इंतज़ार में होता है कि वो कब चलेगी, वो मायूस हो जाएगा, वो उस ठंडी हवा को मिस करेगा, उसको याद करेगा. द लास्ट स्टैंजा इज हाउ मेनी डीड्स ऑफ काइंडनेस अ लिटिल चाइल्ड मे डू ऑल दो इट हैज़ सो लिटिल स्ट्रेंथ एंड लिटिल विजडम टू. It wants a loving spirit much more than strength to prove how many things a child may do for others by his love. इस स्टैंजा में पोएट बताती है कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पास इतनी ताकत और इतनी समझ नहीं होती कि वो बड़े बड़े अच्छे काम कर सके, वो भी बहुत से अच्छे काम कर सकता है. अच्छे काम करने के लिए सिर्फ एक जज्बा चाहिए होता है, एक लविंग स्पिरिट चाहिए होती है, ना कि जो है ना स्ट्रेंथ और पावर चाहिए होती है, स्ट्रेंथ और पावर या फिर जहानत चाहिए होती है अच्छे काम करने के लिए. तो एक छोटा सा बच्चा भी अपने लविंग स्पिरिट से, अच्छे मोहब्बत करने वाले जज्बे से अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम कर सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको पावर चाहिए अच्छे काम करने के लिए. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. Thank you so much.